टोबे बिचते सी गारा लेके आंदे सी बिच तूड़ी पा के मिला के मेरी मां ने साडा फर्श लिपड़ा पांडू साडिया कंधा ते फेरदे सी असी आप मेरे फादर ने हर घर दे विच टेंट लगाए शशिपाल जी बैठे। किस इंसान की किस्मत दे विच की लिखिया होया ए शायद कोई नहीं जानदा हुंदा। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब दे नवे बने मुख मंत्री भी शायद यही सोच रहे होणगे, हैरान भी ने। उन्हां दे परिवार की भी हैरानी की कोई हद नहीं है, क्योंकि कदे सोचा नहीं होएगा कि इन्नी छेती उन्हां नूं पंजाब दा सब तो वड्डा अहुदा मिल जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी ने अज सहुं चुकण तो बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस की, मुख मंत्री वजों उन्हां दी पहली प्रैस मिलनी सी, पर पत्रकारां दे सवालां दे जवाब इस प्रैस मिलनी दे विच नहीं दित्ते गए। अपनी गल कहण तो बाद चन्नी उठ के चले गए कि अज मैनूं जा लैण दे, उस तो बाद तुहाडे सवालां दे जवाब दिया करांगा। हालांकि पत्रकार यह भी कहिंदे सुणे गए कि चन्नी साहब प्रैस कॉन्फ्रेंस दा मतलब हुंदा है के पत्रकारां दे सवालां दे तुसीं जवाब देने ने। खैर अज किहड़े किहड़े वड्डे ऐलान कीते ने ओह तुहानूं असीं साफ साफ दस दिंदे आ। हाईकमांड ने जिहड़े 18 मुद्दे दित्ते ने ओह वारी वारी हल होणगे, सारे हल होणगे, इह कहा है चरणजीत सिंह चन्नी ने। सब तो पहला जिहड़ा उन्होंने ऐलान किया है वह किसानी संघर्ष की गल की है। कहिंदे मैं पंजाब दे आम लोगों की आवाज़ बनांगा, किसानी संघर्ष की आवाज़ बनांगा, किसानी संघर्ष के विच कहिंदे मैं आप जुटांगा ते ये मसला हल करवा के हटांगा। नाल ही केंद्र सरकार नूं अपील की है कि सारे जिहड़े 3 काले कानून ने वह रद्द किए जाण। किसानी संघर्ष नूं कहिंदे मैं कमज़ोर नहीं पैण देंगा, जे किसानी ते कोई आंच आएगी ता मैं किसानां नूं अपना गला भी वढ के दे देंगा, ये कहा चरणजीत चन्नी ने। के खेतीबाड़ी प्रधान सूबा है पंजाब, पंजाब दी खेतीबाड़ी ते जेकर आंच आएगी ता किसानां नूं अपना गल वढ के दे देंगा, लेकिन पंजाब दी किसानी ते आंच नहीं आण देगी। ये किसानां दी सरकार है, किसानां दे दी हितैषी सरकार है, यह कांग्रेस पार्टी की सरकार है। काले कानून वापस लैण वास्ते मैं केंद्र सरकार नूं अपील करदा, यह किसानी डुबेगी तो पंजाब डुब जाएगा, किसानी डुबेगी तो हिंदुस्तान डुब जाएगा। किसानी दे नाल अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, किसान की फसल आउंदी है तां दुकान दे विच गाहक आउंदा है, किसान की फसल आएगी तां मजदूर नूं खेत च काम मिलदा है, किसान की फसल आएगी तां किसानी तां पंजाब खुशहाल होएगा, पंजाब सरकार ते असर पैंदा है। इस करके पंजाब सरकार हर तरीके दे नाल किसानां दे संघर्ष दे नाल खड़ी है, और ऐसी सब कुछ बारन नूं तैयार है किसानां दे संघर्ष वास्ते। लेकिन पंजाब दे किसान नूं कमजोर नहीं होण दवांगे, ऐसी हर तरीके नाल समर्थन करते हैं किसान संघर्ष दा, ते अपील करते हैं कि इन्हां नूं वापस लिया जावे जिहड़े काले कानून है, ते ऐसी इहदे विच 100% नेक नीति दे नाल बिना किसे बलछड़ रखे, बिना किसे अहुदे दा लालच करे किसानां दे नाल खड़ांगे। किसानी संघर्ष दे विच आप जुटांगा ते इस मसले नूं हल करा के दवांगा। दूसरी सब तो वड्डी गल, पिंडां दे विच गरीबां दे पाणी दे बिल माफ होणगे, चाहे ओह किन्ने किन्ने साल तो खड़े ने ओह बिल माफ कीते जाणगे। बिजली दे सारे खड़े बिल माफ कीते जाणगे, गरीबां दे जिहड़े लोड़वंद लोक ने उहनां दे सारे बिजली दे बिल माफ कीते जाणगे, चाहे ओह पिछले 5 साल दे खड़े होण जां फिर पिछले 10 साल दे खड़े होण। चौथी गल उहनां ने कीती है कर्मचारियां दा जिहड़ा नुमाइंदा कहिंदे मैं, ते कर्मचारियां नूं अपील कीती है। सारे जिन्ने भी मुलाज़म ने अज पंजाब दे विच धरने ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੋ, ਧਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਮੰਗਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 10-10 lakh रुपये के बिल खड़े है, 20-20 लख के, 50-50 lakh के सारे माफ करांगे कैबिनेट की अज्जी मीटिंग दे विच। गरीबां नूं किसी गरीब का
कनेक्शन इस करके नहीं कटेगा कि जी उहदा बिल देना है, जिहदे पिछले 5 सालां दे विच या 10 सालां दे विच किसे दा कनेक्शन कटिया गया कि इहदा बिल रहिंदा है, वह सारे बिल माफ करके उहदा कनेक्शन लगेगा। किसे दा भी गरीब दा वह असी तय करांगे अज कैबिनेट दे विच साडी हाई कमांड दे अनुसार, लेकिन उन्होंने बिल दोबारे चला के हिसाब किताब बराबर कर देना, बिल पाड़ देने, अगे नूं बिल नहीं आना। ते नाल नाल पानी माफ, बिजली की मैं गल कर ली है, शहरां दे विच वाटर सप्लाई ते सीवरेज 200 गज तक दे या 150 गज तक दे अज जिवें फैसला होएगा उन्हां तों नहीं लिता जाएगा। ये आम आदमी की सरकार है, आम आदमी दीआं गल्लां करनीआं सौखियां, लेकिन असीं उन्हां दे नाल खड़ना है। मेरी वाइफ जब बिजली का बिल आउंदा मैनूं मेरे वालों देखण लग जांदी, कहिंदी मेरे तनखाह चों जाणे है। ये ईमानदारी की गल दस, अज कुछ मैं झूठ नहीं बोलना, ये बिल कटने हैं ता कि किसी की बीवी उन्हूं ये ना कहे कि देने कित्थे ते है। मैं कर्मचारियों के मेरे परिवार के विच बहुत है, इस करके मैं कर्मचारियों का नुमाइंदा हैगा। कर्मचारी साडे जिंद जान है, पंजाब सरकार नूं चलाउंदे है, इसलिए मैं पंजाब सरकार दे सारे इंपलाइज नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा हां कि थोड़ा भरा थोड़ा छोटा है बड़ा है थोड़ा पुत्र है, मैं उरे मैनू मेरे नुमाइंदियां ने बिठा लिया, एक एक मसले का हल कर दांगा, किसे नाल कोई दरैंत नहीं होएगी, थोड़े बकाए और रहेंगे जेड़े पक्के होने वाले पक्के होंगे, सब दे काम करांगा, मसले सारे हल करांगा, मैनू थोड़ा जिहा टाइम दे दो। एक बार मेरी अपील ते सारिया हड़तालां बंद करके अपने काम ते आ जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं मंगदा, मैनू थोड़ा टाइम दे दो। एक होर बड़ा अहम उन्होंने ऐलान किया कि किसी नाल भी गलत नहीं होगा पंजाब दे विच। हुण मैं आ गया हाँ इस कुर्सी दे उत्ते, किसी खिलाफ नजायज़ परचा नहीं होएगा, नजायज़ कानूनी कार्रवाई नहीं होएगी, सब नू इंसाफ मिलेगा, दोषी नू सज़ा मिलेगी। लोगों की सरकार है, पंजाब के लोगों की, इस सरकार दे विच कोई ये नहीं कहेगा मेरी सरकार है या साड़ी सरकार है, ये सरकार पंजाब के लोगों की है, इन्होंने सानू बनाया, बहुत फैसले लेने हैं, असी संविधान के अंदर ही होएगा सब कुछ, किस कुछ भी किसी नाल कोई गलत नहीं होएगा, ये मैं थोनों आज गरंटी देना चाहता पंजाब के लोगों नूं, किसी का एक भी बंदा मेरे जब तक एक ये सरकार बैठी है लोगों की नजायज़ थाने च नहीं जाएगा, पारदर्शी सरकार दिती जाएगी, कोई थानेदार मुंशी किसी बंदे नूं नजायज़ तंग नहीं करेगा, सारिआं नूं इंसाफ मिलेगा, दोषी अंदर जाणगे चाहे वह कोई भी होवे, चाहे किस दा वड्डा होवे चाहे छोटा होवे, किसे सब वास्ते कानून इक, ये नहीं है कि जी वड्डा आया तो सारा कुछ ठीक है, तहसीलां दे विच बिल्कुल सही तरीके नाल काम चलेगा, या मैं रहांगा या फिर नहीं तो वह रहणगे, ईमानदारी पल्ले रखी हुई है, लोई लेके आउंदा लोई लेके घर चला जावांगा, लेकिन ईमानदारी सरकार नहीं छड्डेगी, मैं कल्ला नहीं, सरकार च चलेगी ईमानदारी, अरे पारदर्शी थोनू असीं दिखावांगे इस तरह हो रही है। एक रेत माफिया नूं लैके वड्डा ऐलान कीता है कि तुरंत ही जिहड़ी पंजाब कैबिनेट की बैठक होएगी उस दे विच रेत माफिया बारे जल्द ही वड्डा ऐलान अज ही कर दिता जाऊगा, यह कहना है नवे मुख्यमंत्री चन्नी दा। ते एक जिहड़ी उन्होंने हदायत दिती है सरकारी मुलाजमान नूं, अफसरशाही नूं हदायत दिती है कि काम करने ही पैणगे, सारे सकत्तरां नूं 2 दिन दफ्तर दे विच हाजर रहण दे लई कह दिता है, ते नाल ही जिहड़े सारे डीसी ने ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ।
जिन्ने भी मुलाजम हैगे ने जिन्ने भी विभाग हैगे ने उन्हां दे उच्च अफसरां तक आम लोगों की पहुँच है जिहड़ी ओह यकीनी बनाई जाऊगी। यह भी चन्नी ने कहा कि मेरे तक भी सारे पहुँच सकते हैं, हुण तक मैं जिवें सियासत दे विच विचरिया हाँ मेरे तक हर किसी की पहुँच हुंदी सी, हर लोड़वंद की पहुँच हुंदी सी, हुण भी उही होगा जे मैं मुख्यमंत्री बन गया तो उस तरह ही लोगों के नाल मैं ट्रीट करांगा। एक बड़ी दिलचस्प उन्होंने गल कही, कहिंदे मैं बिस्तरा अपनी कार दे विच ही रख्या होया, सवेरे 7 बजे मैं निकल जाना, जिहड़े भी काम ते जाना हुंदा मैं उन्हों काम नू करके मुड़दा, जे मैं उत्थे रात भी रहना पवे, जिथे मर्जी मैं रुकना पवे उत्थे ही मैं कार दे विच अपना बिस्तरा ला के सौ जाना हुंना। अज ही हदायत जारी हो जाएगी कि 2 दिन तक पक्का दफ्तर विच लोगों नू मिलना है, लोगों दी सुननी है। डीसी ये नहीं है कि साढ़े लोग बाहर बैठे है तो आप अंदर बैठे चाह पी जा रहे हो, उन्होंने सब तो पहले लोगों नू मिलना है। टाइम फिक्स होएगा, उस टाइम उत्थी होएगा डीसी। सेक्रटरीएट दे विच अफसर बंदियां नू नहीं बुलाणगे, आप डायरेक्टोरेट च जाके कि होर बैठेंगे। सेक्रटरीएट दे विच दिक्कत आउंदी है लोगों नू पास पूस बनाउण दी, होर सारयां दी। हर गरीब की पहुँच होवे मेरे तक, हर सारे अफसरां तक, इस दी व्यवस्था की जाएगी। किसे नू ये नहीं है कि उहदा शिकायत का हल नहीं होया, ये सारियां चीज़ां का हल होएगा। कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी लेके चलांगे, पार्टी सुप्रीम है, पार्टी के फैसले होंगे, सरकार इंप्लीमेंट करेगी। ना बरगाड़ी अगे पेगा, ना कोई होर अगे पेगा, गणाउण की लोड़ नहीं। तुहानू सारे पता मैं गणाउंदा ही रहा पिछले 6 महीने या साल। ये मुद्दे सारे हल होने हैं, किसे नाल दरैंत नहीं होनी है सरकार वालों, कोई बिंडाटा किसे नाल नहीं, किसे नाल लड़ाई नहीं। लेकिन गुरु वास्ते सारा कुछ हाजिर है। हर गरीब की पहुँच होवे मेरे तक, हर सारे अफसरां तक, इस दी व्यवस्था की जाएगी। किसे नू ये नहीं है कि उहदा शिकायत का हल नहीं होया, ये सारियां चीज़ां का हल होएगा। मैं पंजाब दे आम लोगों की आवाज़ बनांगा ते पंजाब दे आम लोगों नू अगे लाके चलांगा। सो पंजाब दे नवें बने मुख्यमंत्री दी ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस सी, उन्होंने बड़े वड्डे ऐलान ने जिहड़े कीते ने। एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब कांग्रेस दे प्रधान बैठे हुए सी, दूसरे पासे पंजाब कांग्रेस दे इंचार्ज हरीश रावत बैठे हुए सी। लगता सी सारयां दे चेहरियां दे हाव भाव देख के कि अंदरों अंदरी थोड़ा शायद घबराए हुए सी कि नवें बने मुख्यमंत्री किते कुछ टपला ना खा जाण बोलदे हुए, पर एक दो बारी चरणजीत सिंह चन्नी टपला जरूर खा गए। एक बारी तां उह तुक बोलण लगे सी जिहड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच तां नहीं दर्ज, पर आम तौर ते श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे वल्लों रची हुई इह तुक है, इन्ही की कृपा के सजे हम है। ये जिहड़ी तुक बोलन लगे सी तां उन्होंने कहा तिन ही की सजाए सजे हम है, इस तरह जदों बोलन लगे तां नाल बैठे सिद्धू ने मोढ़े ते हथ धरिया ते होर भी कुछ मंत्रियों की जिहड़ी आवाज़ आई ते उन्होंने तुक चन्नी नूं चेते कराई ते नाल ही एक वारी उह ये भी कह गए कि पंजाब सोने की चिड़ी है। इत्थे लोग जरूर थोड़ा मुस्कुराउंदे होणगे सुण के, क्योंकि पंजाब किसे वेले सोने की चिड़ी होया करदा सी। अज जे सोने की चिड़ी हुंदा तां शायद हर वर्ग है जिहड़ा उह सड़कां दे उत्ते ना उतरिया हुंदा, क्योंकि अज जिथे पंजाब दे मुख मंत्री नवे मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सौं चुकी, उत्थे ही साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली दे इतिहासिक गुरद्वारा अंब साहिब 8 फेज तो 12 बजे जिहड़े मजदूर ने जिहड़े पूरे सूबे तो वक्ख वक्ख थावां तो पहुँचे हुए वड्डी रैली ने CM भवन वल CM निवास वल कूच किया। हालांकि उन्हां नूं पहुँचण दिता गया जां नहीं उस बारे असीं जिहड़ी पुख्ता जानकारी तुहानूं खबरां दे बुलेटिन दे विच दस्सांगे, पर इतफाक दी गल है कि अज नवें मुख्यमंत्री ने सहुं चुकी। उन्होंने कहा कि मैं हर किसी का भला करांगा, खास करके लोड़वंदां दा भला करांगा, क्योंकि एक फैक्ट है कि नवें मुख्यमंत्री जिहड़े हैगे ने उह दलित भाईचारे दे नाल संबंधित ने ते पंजाब दे जिहड़े इस भाईचारे दे लोक ने उह जरूर अंदर अंदर काफ़ी खुशी महसूस कर रहे ने, ते ओही जिहड़े लोग हैगे ने मजदूर भाईचारा वह अज CM निवास वल वध्या। तो पर पहले दिन ही जे शायद मुख्यमंत्री उन्हां वल झात मार लैंदे तां इह दिन शायद उन्हां दे सियासी जीवन दे इतिहास दे विच जरूर लिखिया जाणा सी। धन्नवाद।